सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था, लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही